चलो जी बराबर, मिलते हैं गुजरात में। देखा हो आप, ये देखो, फील करो आप लोग भाई, फील करो। मॉर्निंग फ्रेंड, आपका एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज हमारी जो तैयारी है वो गुजरात जाने की, विजयनगर जाने की तैयारी है। बाय द वे, मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं रुका था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा लगा रुक के, बजट में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी जो यहाँ पे लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं। बोलो फॉरेस्ट है, बिकॉज जहाँ वैभव रहता है वहाँ के आसपास है, तो वहाँ आज पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे और गुजरात की आपको मकर संक्रांति दिखाते हैं। यहाँ पर पतंगबाजी बहुत होती है। अब समय है ये इसको उदयपुर झीलों की नगरी को बाय बाय कहने का। देखिए रास्ते में चल रहे हैं, मन तो नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम है, दैट्स रीज़न निकलना पड़ रहा है। और अभी हमने जस्ट ऑटो बुला लिया है बिल्कुल यहाँ पे। एक्चुअली मैं एक और सजेशन देता हूँ आपको, जब याद आती है ना चीज़ें तो आपके साथ शेयर करना बनता है। आप यहाँ ना लोकल ऑटो करेंगे ना बहुत फेयर है। अगर आप किसी मल्टीपल साइट्स, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, इससे अगर मंगाते हैं ना बिल्कुल हाफ प्राइस आता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि आप इन्हीं साइटों से बुक कराओ, सस्ते में निपट जाओ। बाकी बस स्टेशन की तरफ तैयारी। और कुछ उदयपुर के बारे में बताओ, कुछ कैसा लगा? मतलब कि मैं उदयपुर, मेरे घर से एक्चुअली 150 किलोमीटर ही है, बट मैं आया था इधर कभी बार, बट इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। एंड इतनी बारीकी से और इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था जितना मैंने कल किया है शुशांक के साथ रह गए। तो थैंक्स टू शुशांक कि मेरे नज़दीक के प्लेस को वो आके एक्सप्लोर करवाना है। तो इट्स अमेजिंग, ऐसा होता है कई बार कि मतलब तुम्हारे नज़दीक है बट तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। यही होता है, हाँ, घर की मुर्गी बोलते हैं, हाँ, दाल बराबर बराबर वैसे करते हैं। चलो जी बराबर, मिलते हैं गुजरात में। हाँ बिल्कुल, आप तो गुजरात में मिलेंगे सर। देखो भाई बिल्कुल हिमाचल वाली फीलिंग दिख रही है, ये है अरावली सब। तो जी फ्रेंड, रास्ते से अभी गुजर रहे थे, इसके गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो व्यू है ना, अरे यार, हम ना टीवी में और सीरियल्स में देखा करते थे कि भाई इस टाइप की कोई जगह होगी, लेकिन रियली में ऐसी जगह आप सोचोगे कैसी है। ये सारी चीज़ें ना टूरिस्ट से एकदम बिल्कुल अलग है, सच बता रहा हूँ। यही तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ऐसे ऐसे प्लेसेस पर समझ में नहीं आता। देख रहे हो आप, देख रहे हो ये सारे प्लेसेस, बहुत अच्छी जगह है, मैं बता रहा हूँ। रास्ते में तो मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, आप देखो अल्टीमेट है ना, जबरदस्त जबरदस्त। यही है छोटे छोटे प्लेसेस, हमारे जैसे आप जैसे ट्रेवलर्स अगर इसको जाके ना एक्सप्लोर करें तो एक्चुअली सबसे बेस्ट तो यही है, हमारे इंडिया जैसा ही कहीं नहीं है। आप देखो ये लोग ऐसी जगहों को ढूंढने के लिए वैली जाते हैं, स्विट्जरलैंड, ये लैंड वो लैंड, लेकिन देखो आप ये देखो कितनी अल्टीमेट प्लेस, सामने पहाड़ियां हैं। भाई वैभव अच्छी जगह पे रहते हो यार, तुम्हारा बात एक नंबर की जगह। अरे सोड़े में कौन था, मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं था, कौन था? गोपी बाऊ, गोपी बाऊ। अरे बंज बंज कितना दिवस थे? अजी जी खुलू नहीं हूँ, बात कर रहे हो गुजरात की लोकल गलियों में सफ़र करता हुआ आपका परफेक्ट पैसेंजर। और गुजरात में आपको राजस्थान का फील कराता परफेक्ट पैसेंजर। अब मैं तुम्हारी भी स्टोरी सुनूंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक अननोन जगह पे आपका फ्रेंड आ गया भाई, देख लो यही सारे लोकल एक्सप्लोर करने के फायदे होते हैं, सच बता रहा हूँ। अगर अननोन जगह पे आते हो, अननोन लोगों से मिलते हो, तो ऐसे ऐसी प्लेसेस देखने को मिलते हैं।
आप देख रहे हो यहाँ पे कोई नहीं आता होगा, सिर्फ गुजरात को छोड़ के, यहाँ के लोकल लोगों को छोड़ के, सही किसी को पता ही नहीं होगा क्या धांसू प्लेस है। आप देख रहे हो अल्टीमेट प्लेस इसे बोलते हैं। और ये सब फेल कर देगा, सब फेल कर देगा चीज़ों को। अब ये जब नदी बहती रही होगी ना, ओ माई गुडनेस, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। चलिए और आगे बढ़ते हैं सफर। अभी फ्रेंड पता है रास्ते में आते हुए एक अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या हुई उसकी बैग जिसमें सारा कुछ आइटम था ना, वो सारा वहीं छोड़ के आ गया। तो अब गया वापस लेने, मैंने कहा कि उसे भेज देता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ अभी चिल मारते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें बातें करते हैं। तो जो अपना गुजरात ट्रिप था ना, वो अभी गुजरात ट्रिप एक्चुअली हुआ नहीं है। जो अपना राजस्थान ट्रिप था ना, वो बहुत ही अच्छा गया। इतने चार से पाँच दिन हो गए, और चार से पाँच दिन में जो मतलब महसूस किया वो ये था कि अगर आप आराम से ट्रैवल करते हैं अपने बजट के साथ, कोई इतनी बजट की प्रॉब्लम होती नहीं है, बस आप अपने साथ निकलो। फैमिली के साथ भी निकल सकते हो अगर आपके कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइक बेबी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़े आराम से फैमिली के साथ निकलो, आराम से रुको हर जगह, बड़े आराम से लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं छोटे से एक टाउन में आ गया हूँ, विजयनगर नाम है इसका। इतना हिली एरिया है, चारों तरफ से लोग पॉजिटिव हैं। जितने आप छोटी जगह पे जाते हो ना, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के लोकल के साथ मिलते हैं, वहाँ का लोकल खाने वाने शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, थॉट्स करते हैं। बाकी देखो यहाँ पर कैसे कैसी चीज़ें हैं। तो आ जाए भाई, बैग लेके आ जाए, बिना बैग के तो सारी चीज़ें नामुमकिन है ना। तो बस तब तक चलते हैं, एक दुकान ये सामने दिख रही है, वहीं टाइम पास करते हैं। ये देखो भाई साहब आ गए, कैसा लगा, कैसा लगा भाई अरे यार सब चीज भूल गए थे। लो 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 लो, वैभव के गांव आ गए हैं। अब देखो कितनी भीड़ है। वो वाइट वाला है ना, वाइट वाला, हाँ टंकी वाला घर, वो मेरा घर। अच्छा ऊंचाई पे नहीं, यहाँ से ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं, वो तीन मंजिल का है मेरा घर। ओ बंगलो है। ये देखो मांझा पकड़ा, ये देखा है तुमने कभी? कौन सा? ये मांझा बना रहा है। अच्छा तो हम डायरेक्ट घर पहुंच रहे हैं अभी। हाँ बस आ गए। ये रहा, ये मेरा घर। कौन सा? ये ओके। तो जी हम पहुंच गए हैं, देखा बड़ी मुश्किल के बाद यहां तक पहुंच गए हैं। और ये वैभव के फ्रेंड का घर है। तो आपको पता है ना, गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से पतंगबाजी होती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो बस वही है अपना प्लान ही था, निकलने का, ट्रेवल करने का, एक्सप्लोर करने का। एक छोटे से एक कस्बे में आ गए हैं, गुजरात का एक कस्बा है विजयनगर। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? साबरकांठा। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें विजयनगर एक छोटा सा है। यहाँ पे एक प्लान था कि मुझे पोलो फॉरेस्ट जाना था, बट रीज़न क्या हुआ, पोलो फॉरेस्ट नहीं जा पाया, अभी वो बंद है। बट आप सीन देखोगे कैसा है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे ये सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं इनके साथ, मिलते घुलते हैं, आपको शेयर करते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी अभी चलते ऊपर, आ जाओ। काफ़ी खातिरदारी हुई, इसने खूब खिलाया पिलाया। अभी जस्ट हम खाने पीने के बाद खाने पीने के बाद अब हम निकल रहे हैं इसके स्कूल की तरफ। देखो एक छोटे से गांव का एक स्कूल है यहाँ पे। स्कूल नहीं एक्चुअली, स्कूल जैसा ही लग रहा है, एक प्राइमरी स्कूल टाइप। सब यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है ना। और यहाँ पे सीन देख रहे हो इस गांव का कैसा है, ये हरियाली, ग्रीनरी, पहाड़ी, जो ना एक मूवीज वगैरह में हम नहीं देखते हैं कि इस टाइप का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक पहाड़ी है, ये सारी चीजें। तो मतलब इमेजिन थिंग्स यू नो। तो बट ठीक है, हो रही है चीजें और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आप लोगों की वजह से।
पता है ट्रैवलिंग का फायदा क्या होता है दोस्तों? ये देखो 7000 स्टेप कंप्लीट हो गए अभी ऐसे, तो बहुत कम है यार। और 13 किलोमीटर हम जो चल रहे हैं ना, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऐसे लिए? इनके लिए ऑब्वियसली, इनके लिए, अपने लिए और YouTube अपनी फैमिली के लिए जो जो लोग देख रहे हैं। अच्छा ये वही वाली नदी है ना जो वहाँ से हमने देखा था? सेम नदी, अभी बहुत सारी उस नदी पर फोटो हुई है। ये बारिश के मौसम में लोग बोलते हैं पूरी नदी फुल रहती है, तो सोचो नज़ारा कैसा होता है, चारों तरफ ग्रीनरी, फुल पूरा अच्छे, तो अल्टीमेट ये हिडन प्लेसेस होते हैं इंडिया के। लोगों को एक्चुअली ये एक्सप्लोर करना चाहिए, जो यूट्यूबर हमारे बाहर चले जाते हैं इंडिया के, एक एक हिडन प्लेस दिखाए ना, एक छोटे छोटे गांव में कहीं कनेक्शन मिला के। ट्रैवल कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि आप वैभव से कैसे मिला, जस्ट आप लोगों की वजह से, ट्रैवल की वजह से। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जब हम यूट्यूब कम्युनिटी पर जुड़ते हैं ना, एक ट्रैवल कम्युनिटी पर बेसिकली, तो आप छोटी छोटी जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हो, ऐसे ऐसे सीन देख पाते हो। देख लो सब बिल्कुल ऊपर वाले की माया है, नेचर है, यही सारी चीज़ें हैं। और सबसे बेस्ट बात लगी ये गुजरात के एकदम बिल्कुल इंटीरियर में मैं आया हूँ और यहाँ नेटवर्क वगैरह इतना प्रॉपर, अभी जस्ट मैंने वीडियो कॉल की थी, बहुत अल्टीमेट, एक बार भी वीडियो मतलब ब्रेक नहीं हुई। तो यही सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसे ही थोड़े ना बोला जाता है। नंबर वन देखो, आपको जगह दिखाऊँ ये है बिल्कुल पीस, शांति और रिलैक्स, यही बोलते हैं। मैं आपको एक जगह अभी मॉर्निंग में लेके चलूंगा, अभी मैं देख के आया बहुत अल्टीमेट जगह है, तो मैं लेके चलूंगा मॉर्निंग में। बाय द वे अभी शाम होने वाली है और इनफैक्ट अभी मैंने जस्ट अभी वीडियो कॉल पे बात की थी, 6:27 यहाँ हो गए, लेकिन यहाँ अभी दिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अब देखें रोशनी आ रही है, बट दिल्ली और अपने विलेज में मैंने बात की तो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है। तो ये वेस्टर्न साइड जितना आएंगे, ये एक जियोग्राफिकल है सिचुएशन, जितना वेस्टर्न में आएंगे तो बाद में होता है हिसाब किताब, बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरल चीज़ है, ये खिला रहा है, ये लो एक ही मैं खाऊं। क्या है ये? बोर है, बोर। बोर ये क्या होता है? अच्छा अच्छा लगा, ये अपने गाँव का बेर है। सारे अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं, अमूमन जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हमारे यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले अपने गांव के स्कूल पे ही लेके चलते हैं। और ये पता है ना, बेटा यहीं से मैंने ना सारी जितनी भी चीजें हैं अच्छी अच्छी यहीं से सीखी थी, यहीं से मैं बच्चे गंदी चीजें सीखी, यहीं पे मैं बच्चे से अडल्ट बन गया था इसी स्कूल में। और ये यहाँ पे हम नाश्ता यहाँ पे मिलता है जी। वैभव अपने पूरा गाँव घुमाया है, गाँव घूमते घूमते हम अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेन चौराहा है यहाँ का, इस विलेज का ना सबसे मेन। अच्छा अच्छा अच्छा, माता रानी का मंदिर है और ये छोटा सा एक गांव का चौराहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बाकी तो यही है, यहाँ पे लोग चिट चैट कर रहे हैं। अब कहाँ मिलेगा गांजा, यही कराना है सबसे पहले, गांजा नहीं मांजा। यहाँ पे लोग जा जो साइलेंट है अभी उसके लिए नहीं। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि मिल कैसे रहा, मांझा कैसे बनता है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, ये देखिए यहाँ पे मांझा चलता रहता है। अब देखिए ये गुजरात का एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे सारे के सारे लोग जितने हैं, ये कल की तैयारी चल रही है, कल मकर संक्रांति है ना गुजरात में, बहुत अच्छा मनाया जाता है, तो उसकी एक तैयारी चल रही है, सारे लोग मांझे में बिजी हैं। सारी जगह हम घूम के आ गए हैं, उसके बाद इसने कहा कि चलो जी पेट पूजा कर ली जाए। अभी आपने देखा बर्थडे सेलिब्रेशन इतना अच्छा हुआ है, उसके बाद अब आई है भाई कल्चर की। तो अगर कल्चर की हम बात करें ना, आज हम बहुत टाइम के बाद हमने आराम से बैठ के नीचे ऐसे बैठ के खाया है और ये देखिए आप आराम से, ये सामने है थाली जिसमें धीरे धीरे सर्व किया जा रहा है एवरीथिंग, आराम से बैठ के हम खा रहे हैं। मेट्रो लाइफ में ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं
और इसका ना बहुत साइंटिफिक रीजन है, आप नीचे बैठ के खाओगे तो कैसे आपके बॉडी में लगेगा एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप ऐसे चीजों को तभी महसूस कर पाओगे जब घर से निकलोगे, लोगों से कनेक्ट होगे, लोगों के पास जाओगे और एकदम ऐसे प्लेसेस में जाओ जहाँ टूरिस्ट प्लेस ना हो, जहाँ नॉन टूरिस्ट प्लेस हो, तो आप बिल्कुल एक अलग ही आपको अनुभव मिलेगा।